हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम। एंड आज हम बात करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज की। सो आई एम आस्किंग यू एंड आई एम शेयरिंग इन नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट्स कि बर्ड एरियाज आखिर है क्या, और आपको मेरे साथ उसमें बताना है कि वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, और इफ आई एम आस्किंग यू सर्टेन क्वेश्चन देन जस्ट आंसर इट। सो हियर वी गो। अगर मैं कहता हूँ कि बर्ड्स जो हैं वो हमारे इकोसिस्टम के एक्सीलेंट इंडिकेटर्स हैं उसकी हेल्थ के, वुड यू एग्री विद दिस और नॉट? यस सर, इट इज ट्रू। एंड अगर मैं कहूं कि जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज हैं वो एक ग्लोबल नेटवर्क का पार्ट है, एक ग्लोबल नेटवर्क और एक ग्लोबल प्रैक्टिस का पार्ट है, डू यू एग्री विद दैट? हां जी सर। और ऑब्वियसली इट इज आल्सो टॉकिंग अबाउट ग्लोबली थ्रेटेंड बर्ड स्पीशीज, डू यू एग्री विद दैट? यस सर, थ्रेटेंड बर्ड स्पीशीज बिल्कुल आता है इसमें, आते हैं बिल्कुल आते हैं। और ये भी हो सकता है कि लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेटरी या कॉन्ग्रीगेटरी बर्ड्स भी इसमें आ सकते हैं। हां जी सर, ओके। अगर मैं बात करूं जो बर्ड एरियाज होते हैं, तो बर्ड एरियाज में अगर मैं बात करूं हैबिटेट्स की, तो क्या उसमें वेटलैंड्स आएगा? यस सर। मड फ्लैट्स आएंगे? हां जी सर। और उसके बाद ग्रासलैंड्स आएंगे? यस सर। हां सर। और स्क्रबलैंड्स आएंगे? स्क्रबलैंड्स? यस सर। ठीक है। इंडिया में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, BNHS, और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है। अगर मैं कहूं दोनों ने मिलकर इंडिया में more than 500 important bird areas are identified किए हैं, तो would you agree with that? Or true sir, yes sir, 554 बिल्कुल। तो let me tell you that there are large number of biosphere reserves in India and large number of wildlife sanctuaries in India and many of them are important bird areas। जैसे मैं अगर आपको नाम बताऊं तो जैसे अचनाकमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, do you know where is अचनाकमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में सर। ठीक है। ऐसे ही और भी बाकी बहुत सारे ऐसे हैं जो एक इम्पोर्टेंट उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये एक बर्ड एरिया भी है, इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया। डू यू नो वेयर इज गोवा? आई एग्री विद दैट। ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क इज आल्सो ए इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया, ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। व्हिच पार्ट ऑफ इट? ओके ओके, इट इज इन नॉर्थ ईस्ट, यस। तो ऐसे करके आपको आइडिया होना चाहिए, बहुत सारे एरियाज हैं जैसे कार्निकोबार हो गया, या उसके बाद क्रेन हिल रिजर्व फॉरेस्ट नीलगिरीज में है, बक्सा टाइगर रिजर्व हो गया। वेयर इज बक्सा टाइगर रिजर्व? वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, ओके। इराविकुलम नेशनल पार्क, केरला, केरला। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, हिमाचल। हरिके पंजाब। एंड इफ आई से वन और टू मोर वर्ड्स लाइक खिजाडिया लेक गुजरात। खीरगंगा नेशनल पार्क, उत्तराखंड, हिमाचल से। तो देर आर, मतलब एज आई टोल्ड यू देर आर मेनी, देर आर मोर देन 500 एज आई टोल्ड यू। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि उसका वो नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इवन ग्रासलैंड्स, वो सारे के सारे भी उसके लिए इम्पोर्टेंट, एक बहुत बड़ा एसेट और बहुत बड़ा सोर्स प्रोड्यूस करते हैं। सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू यू नो कपल ऑफ देम, like for example Vikramashila Gangetic Dolphin Sanctuary, sir, Bihar. Wandi Urand Kunnatur Tanks, Tamil Nadu. So this is how we have to see, and I think whenever you just Google or just find a map, just go through it once, and I think we are done with it. You just need to know that जो इंटरनेशनल, जैसे NHBS का रोल मैंने आपको बताया, सॉरी BNHS का रोल मैंने आपको बताया, ऐसी IBA का है, जो IBA है वो प्रोग्राम है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का। सो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के बारे में यदि आप बेसिक जान लेंगे, वो एक कैसे कंजर्वेशन करता है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, दैट्स ऑल वी नीड टू। एंड आई थिंक दिस इज इनफ फॉर अस एज ऑफ नाउ। वी विल सून अगेन catch up by raising some more curious areas and more curious ideas, and we will discuss further. Keep on updating yourself and be watchful. Thank you very much.